राम राम दोस्तों, आज की हमारी एनिमे रहेगी गोल्डन बॉय। ये एक की बहुत ज़्यादा ही बढ़िया एनिमे है। इसमें टोटल सिर्फ 6 एपिसोड हैं और इसके जनरल्स हैं कॉमेडी। इसमें थोड़ा बहुत अडल्ट सीन्स भी हैं, तो मैं आपको रेफ़र करूँगा आप अगर 18+ है तभी एनिमे देखें। इस एनिमे में बेसिकली 6 ही एपिसोड हैं, बट 6 के 6 एपिसोड डिफरेंट स्टोरी पे बेस करते हैं। और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर रहता है कंटारो, जो एक 25 साल का ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहता है लो का फ्रॉम टोक्यो यूनिवर्सिटी। ये एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदा होता है, जब आप एनिमे देखें समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एनिमे के बारे में, मैं आज आपको बताऊँगा। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें कुछ बोल्ड सीन्स देखने को मिलते हैं। कंटारो जा रहा होता है अपना इंटरव्यू देने के लिए एक कंप्यूटर ऑफिस में, बट वहाँ पे हो जाता है इसका ज़्यादा ज़्यादा एक्सीडेंट और उसे मिलती है एक बहुत ही ज़्यादा बोल्ड लेडी। ये लड़की क्या ही ज़बरदस्त लगती है भाई साहब, क्या ही एनिमेशन है, मज़ा आ जाता है देख के। लोंडे तो भाई साहब फैल हो जाएंगे एनिमेशन देख के इस एनिमे के। ये विंटेज है बट एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इस एनिमे के। फिर इसे लड़की कुछ पैसे देती है और वहाँ से चली जाती है। जाते जाते इसकी हो जाती है कंटारो से लड़ाई और ये देती है कंटारो को एक चपाट चेप। तो भाई साहब इसके बाद सीधा आता है ऑफिस का सीन, जहाँ पे कंटारो को पता लगता है कि यही बोल्ड लेडी इसकी बॉस है और इस बंदे की भाई साहब क्या ही फट जाती है वहाँ पे। फिर इसको दिया जाता है पहला काम टॉयलेट साफ़ करने का, बट भाई ये बंदा होता है सिम्प और ये बेटी चौथ का टॉयलेट साथ के साथ भी सिम्पिंग करने लग जाता है कि सोच के कि इस पर कैसी कैसी खूबसूरत लड़कियाँ बैठती होंगी। ये बात लग जाती है इसकी बॉस को पता और उसे देती है निकालने की धमकी। बट ये भोसड़ी वाला कुछ ना कुछ जुगाड़ करके रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के वहाँ पे एक ऑफिस बॉय की नौकरी पा लेता है एज ए कंप्यूटर कंपनी में। तो वहाँ पे ऑफिस बॉय का काम करते करते कंटारो भी या कंप्यूटर भी सीख लेते हैं, सब कुछ सीख लेते हैं। पहले ही बता चुका हूँ टैलेंटेड लौंडा होता है भाई साहब, जहाँ रहता है कुछ ना कुछ सीखता ही है। यही इस एनिमे का मेन मोटिव रहता है, गोल्डन बॉय से क्यों कहा गया है जब एनिमे देखेंगे पता लग जाएगा। ये वहाँ पे गलती से उनकी एक प्रोजेक्ट फाइल डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से इसको वहाँ पे बहुत गालियाँ पड़ती हैं इसकी बॉस से। इसकी बॉस इसको देती है निकाल और इस भोसड़ी वाले की भाई साहब फट जाती है और ये चला जाता है वहाँ। बट जाने से पहले कंटारो जो प्रोग्राम डिलीट करके गया था उसे दोबारा से बना देता है एक रात के अंदर, जो इतने सारे ऑफिस वर्कर एक हफ्ते में भी नहीं बना पाए थे। बट बाद में इन सबको पता लगता है कंटारो ने बनाया है, तो ये सब उसके सोचते हैं हमने उसके साथ गलत किया। बट कंटारो भैया अपनी नई जर्नी पर निकल जाते हैं और फर्स्ट एपिसोड हो जाता है ख़त्म। सेकेंड एपिसोड में अपने भैया कंतारो करते हैं एक मेयर के ऑफिस में काम और मेयर की बीवी दे देती है इन्हें अपने घर का काम करने के लिए। और कंतारो भैया का सबसे पहला काम मिलता है टॉयलेट साफ करने का और भैया चालू अपनी सिंपिंग वहाँ पे लग जाते हैं टॉयलेट सीट को चूमने चाटने पता नहीं क्या क्या करने। कुआने में देख लेना आपको समझ आएगा क्या क्या करता है। वहाँ पे मिलती है ऐसे मेयर की लड़की जो इसके ऊपर भाई साहब रल लगती है डोरे। इसे बुलाती है अपने रूम में और उसके सामने लग जाती है कपड़े चेंज करने और वो लग जाती है इसके पीछे, क्योंकि वो चाहती है कि इसके साथ कुछ करे। इससे डरता है इसके साथ कुछ तो करेगा नहीं क्योंकि मेयर की बेटी है। और ये इसके पीछे पड़ जाती है, कंतारो को अपने कमरे में बुलाती है, उसके साथ पता नहीं भाई के साथ क्या क्या करती है। तो कंतारो भाई भी अपना फुल फैल के भाई साहब लगा रहता है, कभी उसको अपनी बड़ा दिखाती है, कभी पैंटली दिखाती है, कभी स्विम सूट दिखाती है। ऐसे ही भाई साहब कंतारो मुझे भाई की मजे लेती रहती है। एट लास्ट में फिर आता है इसमें एक तगड़ा सीन। ये सोचती है कि कंतारो भैया फैले पड़े हैं, इसकी लगा दूँ वाट। तो कंतारो भैया के ऊपर लगा देती है कि मेरे को मोलेस्ट कर रहा था। तो इसके पापा के पाप सबको बुला लेती है चिल्ला के, इसके हाथ में कैची दे के किसने मेरे कपड़े फाड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया। और भाई साहब सब पहुँच जाते हैं इसके रूम में, देखते हैं कंतारो भैया को, बाप है भाई साहब इमोशन बना के उठ देता है, तोड़ देता भाई साहब कंतारो भाई साहब की गांड, फट जाती है कंतारो भैया की। तो कंतारो भैया थोड़ी ना शरमाते हैं, कंतारो भैया बोलते हैं हाँ भाई साहब मैं करता हूँ इससे प्यार और उन सबके सामने से कर लेते हैं किस। और फिर भाई साहब कंतारो भाई की जो गांड टूटती है ना वो अजब ही सीन है भाई साहब। और अपने कंतारो भैया की हिम्मत देख के लोंडी हो जाती है फैल उसके ऊपर और बोलती है पिताजी मेरी ही गलती थी, मैं ही चूतिया हूँ घटिया हूँ जो इसके पीछे पड़ी, मैंने ही सारे इल्ज़ाम लगाए। और कंतारो भैया अपने देते हैं चल और लास्ट में वही ये बेचारी से माफ़ी मांगती है और कंतारो भैया अपने वहाँ से चले जाते हैं। थर्ड एपिसोड में अपने कंतारो भैया लग जाते हैं दुकान पे एज ए शेफ, जहाँ पे बनाते हैं नूडल्स। ये वहाँ पे अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, वही फिर इनकी लाइफ में आती है लोंडियाबाजी के चक्कर। उस ओनर की होती है एक लोंडिया और उसका होता है एक बॉयफ्रेंड, उन दोनों की अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है, अच्छा खासा जीवन बिता रहे होते हैं वो, अच्छा खासा अपने टूर टार पे जाते हैं, प्यार व्यार करते हैं, किस वगैरह करते हैं। बट कंतारो भैया को लग जाती है एक सीक्रेट बात पता, उनको पता लगता है कि जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है वो एक नंबर का चमन चूती आदमी, उसका सिर्फ एक ही मकसद है इस ओनर की बेटी की बॉडी यूज करना और इनकी दुकान पर कब्जा करना, उसे शादी करके 6 महीने के बाद दे देगा डिवोर्स, उसके मारो देगा थोड़ा बाद निकल भाई और उनकी दुकान पे कर लेगा कब्जा, क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में आती है और जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। बट गलती से कंतारो भैया उसको कर लेते हैं फेस ऑफ और भाई साहब कंतारो भैया अपने नॉर्मल से बुल रहे हैं और बंदा उसकी देता है गांड तोड़।
कंतारो भैया ये बोल के कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वहाँ से निकल लेते हैं पहली फुर्सत में। कंतारो भैया फिर दुकान पे जाते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं और ये सब छुपा के रखते हैं। फिर सोचते हैं बहनचो बदला तो मैं लूँगा, फिर कैसे वो बदला लेते हैं वो आप देखिएगा एनिमे के अंदर। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी हो जाता है लास्ट में जाके, अगर आप देखेंगे ना आपको लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एपिसोड के देख के, और आप बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं। बट एट लास्ट उस लड़की को पता लग जाती है उस लड़की की सच्चाई का, और वो कंतारो को बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है कि मैंने ऐसे इंसान को पसंद किया। और कंतारो भैया भी उसको कंडेंसेस देते हैं कि कोई बात नहीं, होता है चलता है, और कंतारो भैया अपने वहाँ से चले जाते हैं अपनी खुशी खुशी, और थर्ड एपिसोड हो जाता है ख़त्म। चौथे एपिसोड में कंतारो भैया जाते हैं एक नए शहर में, जहाँ पे इन्हें दिखता है एक स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल के बाहर दिखती है इन्हें मस्त लौंडिया, और उसके पीछे फिर भाई साहब वही हैं सिंपल भाई साहब अपना लौंडा, लग जाता है लौंडी के पीछे। लौंडी होती है स्विमर, बोल देता है मैं भी एक स्विमर हूँ टॉप क्लास, अपने शहर में अपना रुतबा है, बुखार है भाई साहब अपना, अपने से सब डरते हैं। तो इसको बोलते हैं तू दिखा अभी हमें स्विमिंग, तो भाई साहब अपनी स्विमिंग दिखाना स्टार्ट करते हैं, और भाई साहब क्या ही स्विमिंग करते हैं भाई साहब, सबकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। भाई साहब ये बंदा अपना कंतारो भैया भाई साहब घोसड़ी वाला तीन फुट के पानी में तैरते हुए डूबने लग जाता है भाई साहब। सब लोग सोचते हैं भाई साहब क्या ही घोसड़ी का इंसान आ गया है। इसको सब लोग बोलते हैं भाई साहब तू यहाँ पे नहीं रख सकता, तुझे एज ए स्विमर हम नहीं रख सकते, हाँ तुझे स्विमिंग क्लासेज लेनी है तो बोलते हैं कि हाँ तू स्विमिंग क्लासेज दे सकता है। बट कंतारो भैया रिक्वेस्ट करके यहाँ पे जाते हैं एज ए हेल्पर। हेल्पर लगने के बाद ये कर देते हैं उस लौंडी को चैलेंज जो वहाँ पे सबसे बढ़िया होती है, और बोलती है तुझे एक हफ्ते में हरा के दिखाऊंगा चाहे कैसे ही करके हराना है। तो वो लौंडी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और फिर हो जाता है अपना एपिसोड स्टार्ट। तो एज ए हेल्पर कंतारो भैया को एक बड़ा भी है काम सोचे बच्चों को स्विमिंग सिखाने का, और फिर आता है हफ्ते बाद वो लड़ाई का। तो ये मैडम करते हैं अपने स्विमिंग का कॉन्टेस्ट, और भाई साहब इस कॉन्टेस्ट में कंतारो भैया भाई साहब लौंडी के बच्चों टांगों के एकदम बीच में घुस जाते हैं, बोलते हैं ना भाई साहब एकदम अंदर घुस जाते हैं। और यहीं पे भाई साहब ये लौंडी इसके टैलेंट के बारे में जान जाती है, भैया में क्या क्या टैलेंट है, कितने टैलेंटेड है अपने भैया, और भैया की कर देती है कुटाई, और ऐसी कुटाई करती है भैया के कपड़े निकाल के सर पे पैंटी पहना के भाई साहब उसको वहाँ से निकाल देती है, और कंतारो भैया की तरफ से चुट्टी। बट कंतारो भैया के जाने के बाद में इसको एहसास होता है कि इसने कुछ गलत किया, कि कंतारो भैया कुछ ऐसा करके जाते हैं जो वहाँ के इंस्ट्रक्शन इतने सालों में नहीं कर पाए, और इस भाई साहब से लौंडी को होता है रिग्रेट, और ये भी भाई साहब अपने कंतारो भैया की वजह से है तैन, और ये चली जाती है कंतारो भैया को ढूंढने के लिए। बट वही बात है कंतारो भैया अपने वजह को 9-11 कहीं मिलने थे, और हो जाता है हमारा फोर्थ एपिसोड ख़त्म। इस एपिसोड में जो आपको लास्ट का सस्पेंस है वो खुद देखना होगा, तभी आपको देखने में मज़ा आएगा। अगर सब मैं ये बता दूंगा तो भाई साहब आप देखोगे ही वह, तो प्लीज़ इस एनिमे को जरूर एक चांस दें। फिफ्थ एपिसोड जो इस एनिमे का है वो इस एनिमे का सबसे बोल्ड और सबसे अडल्ट सीन वाला एपिसोड है, अगर आप इसे देख रहे हैं। इस एपिसोड में अपने कंतारो भैया एक मंदिर में रह रहे होते हैं, जहाँ पे इसे हेल्पर का काम दिया जाता है, और स्टार्टिंग में वही टॉयलेट वाला सीन, टॉयलेट सीट के साथ सिंपिंग करता है, और वहाँ पे इसे फिर से एक लड़की देख लेती है, वही सीन इसमें बराबर चलता है फिफ्थ एपिसोड में भी। बट इस लौंडी के बारे में एक खासियत होती है, ये लौंडी टू साइडेड होती है, ये लौंडी होती है सिंप, और सिंप होती है मोटरसाइकिल के लिए, अपनी बाइक के लिए। ये वैसे तो मंदिर में रहती है बट ये होती है मोटरसाइकिल फ्रीक, इसे होता है अपनी मोटरसाइकिल से प्यार, और किस तरह का प्यार होता है वो आप एनिमे देखिए जान जाइए। ये कर देती है कंतारो भाई को चैलेंज, और क्या चैलेंज है वो भी आपको एनिमे देखनी पड़ेगी पता लग जाएगा। ये दोनों लोग करते हैं रेस, और उस रेस में कंतारो भाई साहब पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या टर्न क्रिएट करते हैं, ये बदला भाई साहब भी पहाड़ से कुदा देता है अपनी बाइक को पानी के ऊपर कुछ सेकंड के लिए, भाई साहब ही मैंने पानी के ऊपर बाइक चलाता है तो पॉसिबल नहीं है, बट ये मोस्टली वाला कर देता है कैसे ना कैसे करते। ये बंदा भाई साहब लिटरली 1,00,000 वोट की तारों के ऊपर, 1,00,000 वोट की बिजली के तारों के ऊपर भाई साहब अपनी साइकिल चढ़ा देता है, और चढ़ा के भाई चढ़ाता ही नहीं सिर्फ उसके ऊपर रेस करता है, पैडल मारते हुए निकलता है। और इस लौंडे की उसको देख के भाई साहब लिटरली फट जाती है, भाई साहब ये किससे पंगा ले गया, मैंने किसको ही चैलेंज कर दिया, ये भैन जो इंसान है क्या आसान चीज़ है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा इसको। और ये लौंडी भी इसके ऊपर बैठाती है, एकदम से भाई साहब फैल जाती है अपने कंतारो भैया के ऊपर। बट जब तक मैडम को समझ जाता है कंतारो भैया का टैलेंट, कंतारो भैया वहाँ से लिखते हैं निकल, कूद जाते हैं पहाड़ के ऊपर से। मैडम सोचती हैं भाई साहब